नमस्कार, क्या आपके पास घर में अभी मूंगफली, दूध और चीनी है? अगर है तो फटाफट बनाते हैं ये मिठाई। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, टेस्टी टेस्टी। तो सबसे पहले मूंगफली को हम भून लेंगे और उसके छिलके निकाल करके एक कप ले लेंगे रोस्ट किए हुए मूंगफली, और उसमें डालेंगे एक गिलास गर्म दूध। दूध गर्म होना भी जरूरी ताकि जो मूंगफली है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उसे हम 15 मिनट का रेस्ट देंगी। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और जिस वाले बर्तन में हमें बर्फी जमानी हो उसे घी से हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं, और इसके बाद दूध को और मूंगफली को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि दूध पूरी तरह ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि दूध हमने गर्म यूज़ किया हुआ था। अगर गर्म लेंगे तो ढक्कन जो है, जार का ढक्कन जो है फटाक से अलग हो जाएगा, इसलिए दूध ठंडा जरूर कीजिएगा। पेस्ट एम बारीक बनना चाहिए, और उसे हम निकाल लेंगे पैन में। पैन को हमने गैस चढ़ा दिया है, और उसी मिक्सचर जार में हमने जो है हाफ ग्लास दूध और डाल दिया, और इसे भी हमने इसमें मिला लिया। यानी कि एक कप लिया था रोस्ट किए हुए मूँगफली, और उसमें डेढ़ ग्लास दूध डाले हैं, और इसे लगातार चलाते रहना है हमें। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। आप यहाँ पे अपने जो भी इसमें खुशबू के लिए डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप चाहो तो कोई एसेंस डाल सकते हैं। उसके बाद 1/3 कप चीनी लेंगे, और उसे बीच में हम डाल देंगे। बस यहाँ पे क्या हमें लगातार चलाना है, क्योंकि बीच में ताकि लगे नहीं नीचे तली में, इसलिए थोड़ा सा मोटे तले का हम बर्तन लेंगे। और इसके बाद बस बन जाता बहुत जल्दी। सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट मेन चाहिए, मूँगफली, दूध और चीनी। बस हमें इसी तरह स्वाद लगातार बहुत जल्दी मिठाई बन जाती है, और खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी है ही। तो देखिए धीरे धीरे ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, यानी गाढ़ा हो रहा, डो की फॉर्म में आ रहा है। इसे हम देखिए पूरी तरह से अब और 5 मिनट भून लिए, तो हमें ये और भी हम डो के फॉर्म में आ गया है। बस इसे हम निकाल लेना, गैस बंद कर देंगे, और उस बर्तन में जमाना, उस बर्तन में डाल देंगे। यहाँ घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने बर्तन में डाल दिया था, और वहाँ पे इसे अच्छे से फ्लैट कर दें ताकि वो इक्वली जो है उसकी चौड़ाई बन जाए। और उसके बाद जो है थिकनेस उसकी एक बराबर कर लेंगे, अच्छे से फ्लैट कर लेंगे स्पून की हेल्प से। और उसके बाद उसके ऊपर से ग्रेट किए हुए जो क्रश किए हुए मूंगफली और डाल देंगे, जो हमारे रोस्ट किए हुए मूंगफली थी ना, उसी को थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे, और वो उसके ऊपर डाल देंगे, और उसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, और इसे आधे घंटे का रेस्ट करने देंगे। उसके बाद कट करेंगे। कट करने के बाद इसे आप मनचाहे शेप में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, जो भी शेप आपको पसंद हो उसे कट कर लीजिए। देखिए बस बर्फी बनके तैयार हो गई। चलते हैं पूजा के लिए, और माता रानी को भोग लगाते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी यम्मी बनता है इतने आसान तरीके से। जरूर बनाइएगा और बताइएगा आपका कैसा बना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।